हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडे इज एडिटोरियल वीडियो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कि रिसेंटली न्यूज में है दोबारा रीजन बीइंग ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ने लोगों की रिकमेंडेशन मांगी है या व्यू पॉइंट मांगा है ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल्सो सेकेंड लॉ कमीशन ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि वो एक डिवाइसिव टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके इसीलिए ये एक एडिटोरियल हिंदू में भी न्यूज में था दैट इज कोड रेड द पुश फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट बिकम अ डिवाइसिव टूल तो आज हम बात करेंगे समझेंगे कि क्या बात कही गई है की हाईलाइट क्या है बैकग्राउंड क्या है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का और क्या टाइमलाइन रहा है क्या क्या चीजें आज तक हुई हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है क्या एक्चुअली में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है यूसीसी का क्यों डिमांड किया जा रहा है यूसीसी हम वो भी डिस्कस करेंगे इसका क्रिटिसिज्म क्या है पर्सनल लॉस से कैसे रिलेटेड है पर्सनल लॉस होते क्या है और इस क्या जरूरत है या क्या स्टेटस है पर्सनल लॉस का इंडिया में एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंडिया में दोनों हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी कि अगर मान लीजिए यू सी सी आता है तो एडवांटेजेस क्या रहेंगे या क्या इशूज सराउंडिंग है यू सी सी के क्या इशूज एसोसिएटेड हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसा क्या रीजन आज तक रहा है कि इंडिया में यू सी सी को फॉलो नहीं किया गया है एंड वट हैज द ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन सेट अबाउट यू सी सी क्योंकि इससे पहले भी जो लॉ कमीशन आई हैं उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट दिया है वो भी हम समझेंगे उन्होंने क्या कहा था क्या आर्ग्यूमेंट्स है इन फेवर ऑफ यूसीसी एंड अगेंस्ट यूसीसी वो दोनों हम पहलू समझेंगे एंड हम ये भी समझेंगे कि फेवर में जो लोग हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि यूसीसी को इंडिया में आना चाहिए या यूसीसी हमें इंडिया में लागू किया जाना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं वाई द टॉपिक वॉज इन न्यूज एज आई टोल्ड यू की ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ने कहा है कि हमें यूसीसी को एक डिवाइसिव टूल की तरह यूज नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है कि यूसीसी लाने के चक्कर में हम ये चीज करें कि वो एक डिवाइसिव टूल की तरह यूज हो जाए वो नहीं करना है और दूसरा उन्होंने रिकमेंडेशन मांगे हैं लोगों की आपका क्या विचार है रिगार्डिंग यूसीसी सो की हाईलाइट समझ लेते हैं द कमीशन दैट इज द ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन जैसा जो कि पैनल है उन्होंने क्लेम किया गया कि है कि दैट हैव इलेप्स सिंस सिमिलर व्यूज वर बाय प्रीवियस पैनल एंड दैट अ फ्रेश एफर्ट वाज़ नीडेड टू गार्नर वेरियस ओपिनियंस दैट मींस उन्होंने ये कहा है कि पहले भी कमीशन आए हैं ऐसा नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कही गई है लेकिन सबका सिमिलर व्यू पॉइंट रहा है लेकिन क्योंकि हम एक नए दौर में हैं हम हमें नए जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उन्हें देखना पड़ेगा ओपिनियंस को देखना पड़ेगा ताकि कि आज के हिसाब से डिसाइड किया जा सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इसीलिए लोगों के ओपिनियंस मांगे गए हैं थोड़ा सा समझते हैं कि इक्कीसवीं लॉ कमीशन दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन ने क्या कहा था या उनका क्या व्यू पॉइंट था तो उन्होंने एक 2018 में पेपर रिलीज किया था जिन्होंने कैटेगरी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल दैट मींस ना ही उसकी जरूरत है ना ही डिजायरेबल है ऐसा 21वीं लॉ कमीशन ने कहा था एंड उन्होंने इसका एक वेल रीजन डॉक्यूमेंट बनाया था उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स भी दिए थे और ये कहा गया था कि वो फोकस करता है ऑफ द फोकस ऑफ इनिशियटिव टू रिफॉर्म द वेरियस पर्सनल लॉस शुड बी द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रेदर देन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज गवर्निंग वेरियस Religions इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि अभी क्या होता है इंडिया में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम की मैरिज के लिए अलग लॉ है हिंदू मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है इसीलिए उन्होंने ये चीज कही थी कि पर्सनल लॉज की जब हम बात करते हैं अलग अलग पर्सनल लॉज जो हैं अगर अलग हैं भी तो भी वो बात करनी चाहिए कि वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे ना कि हम एक गवर्निंग लॉ बना दें सारे रिलीजन के लिए और फिर भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म ना हो सो so, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा सो बेसिकली दे वांटेड अगर अलग अलग पर्सनल लॉज भी हैं दैट इज नॉन ऑफ दैट इज नॉट अ कंसर्न बट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए रैदर देन एक गवर्निंग लॉ बना दे लेकिन स्टिल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल करें इन अ कंट्री सो दिस वॉज देयर रीजन एंड द डॉक्यूमेंट वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर कैसे कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव है नेचर में क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्मिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को चुना था कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए हमें डिस्क्रिमिनेशन अपनी कंट्री में खत्म करना है यूनिफॉर्मिटी तो बाद में भी लाई जा सकती है ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था सो ही वट ही वट दिन टू से जैसे कि अभी भी पर्सनल लॉस सचेज मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस एडॉपशन इसके लिए इंडिया में अभी भी डिफरेंट पर्सनल लॉस है सो so अगर वो है भी दैट इज नॉट दैट इज नॉट अ बिगर कंसर्न बट जो डिस्क्रिमिनेशन आज भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता है वो एक बेगर कंसर्न है एंड दिस वुड इंटेल द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन दैट मीन्स स्पेशली दैट अफेक्ट वुमेन या फिर जो माइनॉरिटी सेक्शन है या डिसेबल्ड है जिनको ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है जो अफेक्ट करते हैं तो हमें उस पर काम करना चाहिए कि कैसे हम उन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन को हटाएंगे या उनके ऑल्टरनेटिव लाएंगे अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द एंटायर कंट्री इज इंडीड गोल वाई बिकॉज द क्वेश्चन वेदर इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लॉ वुड इम्पिज ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज बिन अ पार्ट ऑफ डिबेट दैट मीन्स कि अगर यूसी आता है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे इम्पैक्ट होगा वो हमेशा से डिबेट में रहा है थोड़ा सा जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी का व्यू पॉइंट क्या था उन्होंने कहा है कि इट इज डिजायरेबल बट फेवर्ड इट्स बींग वॉल्ट्री दैट मीन्स कि होना चाहिए डिजायरेबल है बट वॉलेंट्री भी हो सकता है एंड इट इज पॉसिबल दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी अडॉप्टेड विदाउट ऑफेंडिंग एनी रिलीजन बट द कंसेप्ट इवोक्स फियर अमंग सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी दैट दे रिलीजन बिलीव सीन एज अ सोर्स ऑफ देर पर्सनल लॉस में भी अंडरमाइंड दैट मीन्स अगर हम यूसीसी लाते हैं तो बी अम्बा बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि हमें जो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी है कि उससे हमारे रिलीजियस बिलीफ जो हैं दैट इज द सोर्स ऑफ पर्सनल बिलीफ क्योंकि जो भी जैसे हिंदू लॉ है या मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड लॉ है या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड लॉ है वो सब उनकी जो बुक्स होती हैं जिनके बेसिस पे उनके पर्सनल लॉ चलते हैं उन्हीं को कोडिफाइड किया गया है उन्हीं के बेसिस पे जो कि उनके रिलीजन्स के साथ सहमति रखते हैं वैसे लॉज बनाए जाते हैं तो लोगों को जो ये लगता है कि अगर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उनके पर्सनल बिलीफ को हैम्पर करेगा सो so वो पहले हमें एड्रेस करना पड़ेगा अदरवाइज लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब बात करते हैं कमेटी ने ये कहा है कि आपके जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं उसे हम प्रायोरिटी दे सकते हैं रेदर देन टॉकिंग अबाउट कि हमें पूरा ही यूसीसी इंप्लीमेंट करना है अब बेसिक प्रायोरिटी किसको देने की बात की गई है जैसे की uh, 18 शुड बी द मैरिजेबल एज फॉर ऑल अक्रॉस द कम्युनिटीज एंड जेंडर स आप अगर अठारह के हैं तो आप लड़के हैं या लड़की हैं या किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप शादी कर सकते हैं एंड इंट्रोड्यूसिंग अ नो फॉल्ट डिवोर्स प्रोसीजर एंड अलाउिंग डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इन रिवर्टेबल ब्रेक डाउन एंड हैविंग कॉमन नॉर्म्स फॉर पोस्ट डाइवोर्स डिविजन ऑफ एसेट्स अदर मैटर्स दैट प्रीवियस कमीशन थ्रू अ फॉर डिबेट दैट मीन्स अब अभी जो क्या है डिवोर्स का जो प्रोसीजर है उसे कैसे हम सिंप्लीफाई uh, कर सकते हैं या उसके बाद जो डिविजन ऑफ एसेट्स होता है डिवोर्स के बाद उनको हमें सब uh, धर्मों के लिए सिमिलर कैसे हम बना सकते हैं उसकी बात इन्होंने करी है सो विदन ईच कमिटी लॉ दैट मीन्स हर कम्युनिटी के जो लॉ होते हैं इट विल बी डिजायरेबल टू फर्स्ट इन कारपोरेट यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दैट मीन्स बी इट हिंदू बी इट मुस्लिम बी इट क्रिस्टैनिटी बी इट एनी अदर रिलीजन पहले जो कम्युनिटी के लॉज है उसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन एन एलिमिनेट प्रेक्टिस बेस्ड ऑन टैबूज एंड स्टीरो टाइप्स इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपकी ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन का व्यू पॉइंट था जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का बैकग्राउंड देखते हैं तो ये एक कोई बहुत नया आइडिया नहीं है जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब बात करी गई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी एटीन में और उन्होंने कहा था कि एक कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज की जरूरत है बट उन्होंने ये कहा था कि ये जो लॉज आने चाहिए कोडिफिकेशन होनी चाहिए वो क्राइम्स एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इन वाले जो लॉज हैं उनमें होनी चाहिए और पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम शुड बी केप आउटसाइड सच कोडिफिकेशन मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का उन्होंने पर्सनल लॉस के बारे में बात नहीं करी थी जो कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉस हैं उसमें क्वाडिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं उसकी बात नहीं गई थी लेकिन क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड की बात करी गई थी नाउ इंक्रीज इन लेजिस्लेशन डीलिंग विद पर्सनल इशूज इन द फार एंड ऑफ ब्रिटिश रूल फोर्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म द बी एंड रॉ कमिटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन फोर्टी वाई बिकॉज पर्सनल इशूज इतने ज्यादा थे बाई द एंड ब्रिटिश रूल वॉज एंडिंग इन इंडिया सो उनको डील करने के लिए कि हमारे पास एक कुछ तो होना चाहिए कि इन पर्सनल uh, इशूज को कैसे डील किया जाएगा ऑफ अ पर्टिकुलर धर्म सो बी एन राव कमेटी आपको कमेटी के नाम याद होने चाहिए कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज एसोसिएटेड विद पर्सनल इशूज और पर्सनल लॉस इन द इन द ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश इंडिया ऐसे करके पूछ सकता है तो आपको ये कमेटी का नाम याद होना चाहिए सो बी एन राइनटीन फोर्टी फोर्टी आई एंड एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इन द स्टेट और अनविल्ड सक्सेशन दैट मीनस हिंदू मैरिज हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में आफ्टर बी एन कि जब किसी की विल नहीं होती है तो उस केसेस में सक्सेशन कैसे होगा हिंदूज में एंड दिस वॉज नॉट ओनली फॉर हिंदूज इट वॉज फॉर हिंदूज बुद्धिस्ट जैन एंड सिख इनके केस में जो लॉ था वो अप्लाई होता था एंड ऐसा नहीं था कि पर्सनल लॉज नहीं थे मुस्लिम क्रिश्चिय के लिए अलग पर्सनल लॉस थे फॉर सक्सेशन दिस वॉज फॉर पर्टिकुलरली फॉर रिलीजन हिंदूज बुद्धिस्ट जैन एंड सिख वी वुड से अब बात करते हैं जब बात आई कि यूनिफॉर्मिटी को कैसे लाया जाएगा तो जब यूनिफॉर्मिटी की बात आती है तो बहुत सारे जजमेंट्स ने कोर्ट्स ने कहा है दैट गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए यूसीसी की तरफ दैट मींस गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड वन ऑफ द सच जजमेंट वाज शाह केस नाइनटीन एंड इट इज अ वेल नोन केस जहाँ पे बात करी गई थी कि यू की, की बहुत ज्यादा जरूरत है सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वट वर्स एंड वेयर द ओरिजिन ऑफ यू सी सी कैन बी ट्रैप इन हिस्ट्री अब बात करते हैं टाइम लाइन मतलब किस दौरान या किस समय पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और क्या क्या बातें हुई हैं आज तक यू सी सी को लेकर जब बात करते हैं उन्नीस सौ चालीस की द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज बॉर्न इन नाइनटीन फोर्टी एंड नेशनल प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस द आइडिया वॉज टेबल्ड बायर नेशनल प्लानिंग कमीशन यू शुड रिमेंबर दिस जो कि कांग्रेस ने अपॉइंट करी थी, फंडामेंटल राइट इट सॉट टू बीस इन किसी इंसान का ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके सो दिस वॉज से लेकिन 48 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स चल रहे थे तो आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है हमारा उसमें बात करी गई थी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल लॉज जो है उसको लाना चाहिए इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट विच इज अंडर पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इन की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट आई और आर्टिकल फोर्टी फोर वॉज एसोसिएटेड विद योर यूनिफॉर्म सिविल कोड देन जब नाइनटीन फिफ्टीज की बात करते हैं तो रिफॉर्मिस्ट बिल पास हुआ अब ये क्या था दिस बिल गेव हिंदू वुमेन द राइट टू डाइवोर्स एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी स की हिंदू वन अब डिवॉर्स ले सकती थी इनहेरिट प्रोपर्टी में भी हिस्सा ले सकती थी बायमी चाइल्ड मैरिजेस देर आउटलॉट दैट मीन देर बैंड सेट दिट दिसगल इन यूर रिफॉर्मिस्ट बिल वॉज पास में क्या हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैबिनेट से रिजाइन किया एंड वेन हिज ड्राफ्ट ऑफ द हिंदू कोड बिल वॉज स्टॉल्ड बाय द पार्लियमेंट सो जब उन्होंने रिजाइन किया तो उनका जो हिंदू कोड बिल था वो पार्लियामेंट में स्टॉल हो गया गया दैट रोका वो पास नहीं हुआ स्टक हो गया था उस टाइम पे सो दिस इज दिसम लाइन जब ओरिजिन हुआ फिफ्टी वन तक क्या बातें हुई रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड अब इतना हमने बात करा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा है वैसा है आना चाहिए नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए अब बात थोड़ा सा समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या बेसिकली हम इतना जो से फोकस कर रहे हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी मांगा गया है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए थोड़ा समझते हैं डिटेल में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल आया था उसमें लिखा क्या था बेसिकली सो so, जो बिल आया था एंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वो एम करता है टू प्रोवाइड अ सिंगल सेट ऑफ लीगल रूल्स गवर्निंग पर्सनल मैटर्स अब पर्सनल मैटर्स इंडिया में क्या कंसिडर किए जाते हैं जैसे मैरिज हुआ डाइवोर्स इनहेरिटेंस एडोप्शन ये इंडिया में इर ऑफ देयर रिलीजन पर्सनल मैटर्स हैं तो बात करी गई थी कि जो ऐसे मैटर्स हैं उनको गवर्न करने के लिए सिंगल लीगल सिस्टम या लीगल रूल होना चाहिए एंड द आइडिया ऑफ यू सी सी इज टू ब्रिंग अबाउट सेंस ऑफ कोहेजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट अमंग ऑल इंडियन सिटीजन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट इफ आई एम अ मुस्लिम और आई एम अ हिंदू और आई एम अ क्रिस्चन आई हैव डिफरेंट फॉर मैरिज इनहेरिटेंस और डायवोर्स इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और कोहेजन दैट मीनस उन्हें एक अटैचमेंट फील होना चाहिए वी बिलोंग टू अ सेम कंट्री यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बोलाजन गवर्न uh, करेगा लेकिन इफ़ द रिलीजन एथनिक और कास्ट बैकग्राउंड भी सारे सिटीजन को ये इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है एंड इट इज अंडर आर्टिकल फोर्टी फोर एंड दिस इज पार्ट फोर दिस इज नॉट पार्ट फाइव बिकॉज डीपीएसपी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर के पार्ट है

नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन इंडिया 2018 में आया था एंड इट वाज प्रपोज बाय भारतीय जनता पार्टी इन ईयर 2018 थाउजेंड एटीन इन लोकसभा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉमन सिविल कोड और कॉमन लॉ फॉर एवरी इन द कंट्री एंड रिसाइडिंग इन इंडिया दैट मीन्स इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी रेस का हो किसी भी रिलीजन का हो किसी भी जोग्राफिकल टेरिटरी में इंडिया में रहता हो उन सभी के लिए एक ही लॉ होगा गवर्निंग पर्सनल मैटर्स ऐसा 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल टेबल किया था लोकसभा में विद दिस एम ऐसा हुआ था अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव से यूसीसी आना चाहिए अब जब 2018 में ये जो बिल आया है यूसीसी बिल पहली बात तो आपको यह जानना पड़ेगा राइट टू इक्वालिटी विच इज अंडर आर्टिकल फोर्टीन क्योंकि सभी को इक्वल राइट देने हैं डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन दैट मीन किसी भी बेसिस पे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ विच आर स्टेटेड इन आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फिफ्टीन यू शुड रिमेंबर बोध देम आर एसोसिएटेड विद यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉट डायरेक्टली बट इंडाक्टली दैट इज द एम ऑफ द कोड इज टू मेंटेन और

और हम ये कह सकते हैं कोई भी वर्लर सेक्शन उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ड्यू टू इन और डिसिमिलर लॉज इन इंडिया लीगल मैकेनिज्म मतलब इंडिया के किसी भी लॉ की वजह से उन लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहां लाए करता है कहां स्टेटेड है again, as i told you, it is mentioned in article 44 of directive principle of state policy, and it states that the, shay, uh, the state shall endeavor to secure for all citizens a uniform civil code throughout the territory of india. that means state matlab country, us country, key duty, that cuban citizens, co, uniform civil code, they, throughout the territory of india. and there are a number of cases where supreme court has referred to article 44 and the concept of uniform civil code also, mainly to highlight एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्या एटीट्यूड है दैट मीन्स कि डीपीएसपी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं क्योंकि यही कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसीलिए बनाए गए थे वो एक गवर्निंग प्रिंसिपल्स या एड की तरह हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को कि आपको ऐसे अपना जो सोसाइटी है या ऐसे जो हमारी कंट्री है उसे गवर्न करना है दैट इज वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट करते हैं सरकार को इन प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना है सो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है रेफर करते हुए आर्टिकल 44 को या ऐसा भी कह सकते हैं एम नॉट नेसेसरली ओनली रिगार्डिंग आर्टिकल 44 बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट क्यों नहीं लागू कर पा रहा है क्योंकि उन्हें क्योंकि करना चाहिए बेटर सोसाइटी के लिए करना चाहिए सो क्यों नहीं कर पा रहा है या क्या डिफिकल्टी है उस पर सुप्रीम कोर्ट जनरली बात करता ही है एंड सिमिलरली उन्होंने आर्टिकल फोर्टी के बारे में भी करी थी नाउ आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स अपॉन द स्टेट टू इंडियर एज आई टोल्ड यू

क्योंकि अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन आता है ना तो आपको वो डायरेक्टली पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद आर्टिकल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आपको उसमें उसने वर्ड मेंशन नहीं किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको ऑप्शन दे दे आर्टिकल फिफ्टी टू फोर्टी फोर पंद्रह एंड सोलह तो आपको पता है फिफ्टी टू एसोसिएटेड नहीं है पंद्रह और सोलह इनडायरेक्टली है फोर्टी फोर डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए आपको पूछ ले कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड या ऐसे कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है क्या कोई चीज पर्टिकुलर चीज है क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है वो पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसलिए चार चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है आर्टिकल 44, 15, 16 डीपीएसपी पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी क्लियरली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब बात करते हैं डिमांड फॉर यूसीसी क्या जरूरत है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं अब हमारे पास ऐसा तो है कि पर्सनल लॉज हैं लेकिन यूसीसी की डिमांड आने से क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है या लोगों को क्या लगता है देखो लोगों को ये लगता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है सो उनके पर्सनल बिलीफ जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करे जाएंगे उनके पर्सनल लॉज जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करे जाएंगे और दूसरा पहलू ये है कि कुछ एक लोग हैं उन्हें ये लगता है कि यूसीसी एक ऐसा सिंपल ऑप्शन है जिससे हम जितना भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हैं पर्सनल लॉ में उसे रिमूव कर सकते हैं दैट इज इट इज बिलीव दैट यूसीसी इज द ओनली ऑप्शन ओके माइंड इट ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू फिल्टर आउट ऑल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है पर्सनल लॉस law, का ऐसा नहीं होता है जो भी आपके पर्सनल लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं या फाइनेंशियल लॉज हैं, वो सब आते हैं जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में अगर वो वॉइड करते हैं आपके फंडामेंटल राइट तो हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया या कोई भी मैरिज एक्ट हो गया वो सब एम्बिट में आते हैं जुडिशियल रिव्यू के अगर उन्होंने कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच किया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आएंगे और सरकार उस दावे को वॉइड प्रूव आ, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट जो है उसे वॉइड बोल सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं ओके okay, सो so एक ये आ, गलत फहमी है लोगों के बीच में कि जोडिशियल रिव्यू के एम्बेट में नहीं आते हैं पर्सनल लॉस आते हैं सो so, यूसीसी सिर्फ ओनली वे आउट नहीं है ओके सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग दैट इट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हाँ पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है दैट आई अग्री लेकिन ओनली ऑप्शन नहीं कह सकते हैं Now the only option द ओनली ऑप्शन टू प्रेजेंट रूल ऑफ that रिव्यू इज aren't द लॉज in Indian laws इंडियन लॉज एंड फ्रॉम द डिफरेंट लीगल सिस्टम ये कहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हुई है क्योंकि लोगों को लगता है कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते हैं वो कौन से लॉज होते हैं जो दूसरे लीगल सिस्टम से लिए गए हैं उन लॉज के बारे में ये है और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैंने आपको ना एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं आप इनको जरूर पढ़ लेना दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फैक्चुअल डेटा है कि कौन सा केस था कौन से ईयर में आया सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हां मेन्स के लिए हो सकता है आपको हेल्प कर जाए तो आप प्लीज एक बार यू कैन गिव इट अ रीड एंड यू कैन यूज इट एज एग्जाम्पल इन योर मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स वट आर योर पर्सनल लॉस हमने इतनी बात करी कि पर्सनल लॉस एसोटेड है आपका यूसीसी पर पर्सनल लॉस है क्या जब ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज इंडिया में खत्म हो रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट टूक स्टेप टू स्ट्रेंथन लेन डीलिंग विद पर्सनल इश्यूज ऑफ टू एग्जाम कम्युनिटीज फ्रॉम यूसीसी, दैट इज हिंदुइज्म या कि हिंदूज जो लोग थे हमारे कंट्री में रहने वाले या मुस्लिम जो रह रहे थे सो so, दो लोगों को जो कि एग्जाम्टेड थे उनके बारे में उनसे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने की बात की गई अब राव कमेटी आई आई एस उन्होंने हिंदू लॉ को ऑडिफाई किया 1941 में कमेटी को जो टास्क मिला था उन्होंने नेसेसिटी आइडेंटिफाई करनी थी कि कॉमन हिंदू लॉस क्या हो सकते हैं कैसे हम उसके अकॉर्डिंग से स्क्रिप्चर्स बना सकते हैं कैसे हम उस लॉ को बनाएंगे तो उन्होंने वो बनाया एंड इट शुड बी नोटेड दैट पर्सनल लॉज वर करंटली गवर्न बाय द रिलीजियस रिलीजियसचर्स ओनलीस आई टोल्ड यू ना कि जो उनके पुराने लॉज होते थे या रिलीजियस बिलीफ होते थे उनके बेसिस पे वो लॉ बनाया जाता था और इसीलिए उनके पर्सनल जो लॉ थे दैट इज मैरिज को कवर करते थे डाइवोर्स को इनहेरिटेंस एडोपन एंड मेंटेनेंस को जो कवर करते थे उनको उन्हीं बेसिस पे बनाया जाता था अब कंपनी ने रिकमेंड किया था कि एक सिविल कोड आना चाहिए मैरिज में एंड सक्सेशन फॉर हिंदूज अब हिंदूज में भी बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं लेकिन उन्होंने क्या करा सारे हिंदूज की कैटेगरी में एक पर्सनल लॉ बना दिया जिसकी जिस जो कि गवर्न करेगा आपकी मैरिज एंड सक्सेशन and it was necessary to understand that personal laws are applied to certain set of people following a particular religion belief or faith and these are made only after due consideration of the religious custom in the text aisa nahi hai jab hindu law codify hua tha 1941 mein to koi bhi religious test, text uh, jo text tha ya custom tha use mana hi nahi gaya tha sab kuch consider karke और जो बोलते हैं ना कि हम इन सब बातों के जो ज्ञाता होते हैं उन सबको कंसल्ट करके ही आपका हिंदू लॉ जो है वो बनाया गया था 1941 में नो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पर्सन लॉज आफ्टर वेरीफाइंग ऑथेंटिस ऐसा भी नहीं है जो भी मिल गया वो से हमने ऑथेंटिक रिलीजियस टेक्स मान लिया था नहीं ऑथेंटिसिटी के बाद एंड सोर्स वेरीफाई करने के बाद कौन सा रिलीजियस टेक्स ओरिजिनल है किसको हमें रेफर करना चाहिए उसके बाद बहुत मेहनत लगती है जब एक लॉ को कॉडिफाई किया जाता है सो so, सरकार ने वो पूरी मेहनत करी थी फिर ये लॉ बनाया गया था एंड फॉर मुस्लिम पर्सनल लॉस वर अपलाई टू इनहेरिटेंस जैसे कि हिंदूज में मैरिज डाइवॉर्स इनहेरिटेंस के लिए था एडोपन एंड मेंटेनेंस के लिए था मुस्लिम्स में वो मैरिज नहीं इनहेरिटेंस विल सक्सेशन मैरिज डाइवोर्स गिफ्ट जब देते हैं या वक्फ एक होता है उनके सेरेमनीज में डाउरी गार्डियनशिप इन सब पे अप्लाई हुआ था और रेफरेंसेज आपके लिए गए थे कुरान से ओके सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा हो सकता है कि एरियाज डिफरेंस हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए और दूसरे रिलीजन के लिए अब पर्सनल लॉ बनाए ही क्यों थे हम तो एक लॉ बना सकते थे सारी कम्युनिटीज के लिए नहीं लेकिन उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसकी फ्रीडम को मेंटेन करना था मान लीजिए हिंदू जो लॉज होते हैं या हिंदू जो कस्टम होते हैं उसमें शादी अलग तरीके से होती है मुस्लिम कस्टम्स में शादी अलग तरीके से होती है टू रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिफरेंट पर्सनल लॉज बनाए गए एंड सेवरल डू नॉट स्टैंड इन मॉडर्न जो कि क्योंकि उस टाइम बनाए गए थे बहुत पुराने थे इसीलिए ही ट्रिपल तलाक की डिबेट भी स्टार्ट हुई थी क्योंकि शायद पहले होता था लेकिन अब के जमाने के हिसाब से वो स्टैंड बेल well नहीं करता है एंड द बेनजीर हीना वेर मुस्लिम वुमेन जर्नलिस्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट लीडिंग टू एंड प्रैक्टिस ऑफ तलाके हसन So, you can again see this is an example which is unilateral divorce practice that gives the husband to power to divorce his wife by pronouncing talaq three times. See, I gave you the example. You can remember the name of the case also. Now, uh, she approached the court pleading to make the practice unconstitution, uh, unconstitutional and called the triple talak. It was irrational, arbitrary and violation of Article 14 again fundamental right, Article 15 fundamental right, Article 21 fundamental right, Article 25 fundamental right of the constitution. सो so, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी पर्सनल लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट right के खिलाफ जाता है या इन्फ्रिंज करता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है वो और जो कोर्ट है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है सो आफ्टर दिस केस ट्रिपल तलाक को जो था वो डिक्लेयर किया गया था ना टू में कि इट इज कि जो जो ट्रिपल तलाक है वो एक ऑफेंस होगा और ये कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट में जो है डिसीजन आया था

डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनल लॉज है इंडिया में जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ है जैसे हम शरीय एक्ट मैरिज एक्ट 1872 का क्रिस्टन मैज एक्टी का नाउ हिंदू पर्सनल लॉस दैट अपलाइज टू योर सिख जैन एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो दे हैव बिन कोडिफाइड by the Parliament 1956 सिक्स एंड इसके चार पार्ट हैं, ओके okay? आपको पहली बात तो क्या याद रखनी है कि हिंदू पर्सनल लॉ सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है इट हेज फोर कम्युनिटी सिख जैन बुद्धिस्ट एंड हिंदू एंड इसके चार ही पार्ट हैं। एक सिंगल ये डॉक्यूमेंट नहीं है या सिंगल ही एक्ट नहीं है चार पार्ट हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट दैट इज मैरिज को जो लॉ गवर्न करते हैं सक्सेसन एक्ट सक्सेशन कैसे होगा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्ड गार्डियनशिप एक्ट 1956, फिफ्टी सिक्स हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। चारों के पर्पज आप देख रहे हैं अलग हैं। मेजर चार डोमेन्स हैं पर्सनल लॉ के हिंदू सिख जैन और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के उन चारों का प्रोविजन है अब बात करते हैं शरीयत लॉ ऑफ 1937, जो की हिंडियन इंडियन मुस्लिम ऑफ इंडिया जो है दैट मीन्स वो इंडियन मुस्लिम पे ही लागू होता है अब ये क्या कहता है ये क्लियरली स्टेट करता है कि स्टेट नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ पर्सनल दैरलूट रिलीजियस अथॉरिटी एंड एंड वुड मेक अ डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान दैट वो किसी भी पर्सनल डिस्प्यूट रिलीजियस अथॉरिटी का एक्सेस नहीं कर सकता है और कोई भी अपनी इंटरप्रिटेशन अगर करी है कुरान या हदित की उसके ऊपर डिक्लेरेशन नहीं दे सकता या इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता है मतलब अगर कुरान और हदित को रेफर करना है तो आपको किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात करनी होगी कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है आप खुद से उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हो नाउ देर आर अदर रिलीजन एज वेल विच आर गवर्न बाय डिफरेंट पर्सनल लॉज अब ये डिफरेंट पर्सनल लॉज जो हैं अलग अलग पर्सनल लॉज जो हैं अदर रिलीजन के वो भी अवेलेबल हैं जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी के लिए अलग है बाकी रिलीजन के लिए अलग है पार्सिस के लिए अलग है अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यूसीसी आता है इंडिया में एक जिसे आइडियल अप्रोच बोला जा रहा है वो आता है तो इससे क्या फायदा होगा सबसे बड़ा फायदा होगा प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए बोला भी जा रहा है कि रिलीजन रेस कास्ट जेंडर इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सो so, वो एक सबसे बड़ा फायदा है अब जो बात करते हैं जो कि सक्सेशन के मैटर्स हैं इनहेरिटेंस मैरिज डायवोर्स एडोप्शन गार्डियनशिप इन सबके जो मैटर्स हैं उन सबके लिए एक लॉ हो जाएगा अलग अलग लॉ अलग अलग पहलू क्योंकि हर रिलीजन से रिलेटेड अलग पहलू हो सकता है उन सब पे हमें इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा हमारे पास हर रिलीजन हर किस हर लोग हर एरिया ऑफ इंडिया के लिए एक ही लॉ हो जाएगा तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है ओके देन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस पर्सनल लॉज इज आई जस्ट एक्सप्लेन वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन कम होगा राइट ऑफ वुमेन ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व हो पाएंगे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे क्योंकि कुछ पर्सनल लॉज जो है लाइक मैरिज डेवोर्स सक्सेस से रिलेटेड उन वो ना थोड़े वायोलेटिव और फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन की तरफ ज्यादा है दैट मीन्स वो फंडामेंटल राइट जो की हर इंसान को अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन पर्टिकुलरली वुमेन के लिए ना वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है सो so, एक लॉ आ जाएगा तो वुमेन के भी फंडामेंटल राइट हम बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे राइट टू इक्वालिटी वुमेन को बेटर तरीके से दिया जा पाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन केसेज ऑफ मैरिज डायवस एडोप्शन ऑफ चाइल्ड सक्सेशन इन हेरिटेंस ऑफ प्रोपर्टी एक्सेक्ट्रा में बेटर इम्प्लीमेंट हो पाएगा सेक्युलर इंडियन सोसाइटी का हम Uh, जो है स्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे और जस्टिस डिलीवरी भी जुडिशरी की बेटर हो पाएगी सो दीज आर द एसोसिएटेड एडवांटेजेस विद इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूसीसी के साथ कोई भी इश्यूज एसोसिएटेड नहीं है बिल्कुल एसोसिएटेड है थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इश्यूज हैं। डिफरेंट रिलीजन है रिलीजन जेस डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ प्रैक्टिस फॉर एवरी रिलीजन अब हर धर्म का इंसान अलग है हर धर्म की रिलीजियस प्रैक्टिस uh, अलग है सोचने का तरीका अलग है रिवाज अलग है उन सबको एक एम्बिट मिलाना ही इट्स सेल्फ अ वेरी बिग टास्क नाउ बाय अटेम्प्टिंग टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी द पार्लियमेंट इज ओनली डुप्लीकेटिंग द वेस्टर्न मॉडल ऑफ लॉ अब कुछ लोगों का मामना, uh, मानना ये है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में सिंगल मॉडल ऑफ लॉ है हमारी गवर्नमेंट भी अगर ये पॉलिसी लाती है तो दे आर ट्राइंग जस्ट ट्राइंग टू डुप्लीकेट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ लॉ सो ये भी एक अनदर डिबेट है कि क्या हम ये सच्ची में करना चाहते हैं या वी आर जस्ट फॉलोइंग द वेस्ट नाउ द मिसकनसेप्शन ऑफ माइ माइनॉरिटीज दैट यू सी सी विल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड दे विल बी कंपेल्ड टू फॉलो द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मेजोरिटीज दैट मीन्स जो माइनॉरिटीज हैं अब वो अलग तरीके से गवर्न होते थे पर्सनल लॉस में लेकिन उनको ये डर है कि जो यूसी आएगा उस वो माइनॉरिटी को ज्यादा तो माइनॉरिटी के हिसाब से कानून बन जाएंगे तो माइनॉर सॉरी मेजोरिटी के हिसाब से कानून बन जाएंगे तो माइनॉरिटी जो है वो सफर करेगा सो so, ये एक और चैलेंज है क्योंकि कि आप लोगों की परसेप्शन कैसे बदलोगे की यूसी जो आएगा वो सबके लिए बराबर होगा दिस इज अनऑव द चैलेंज ना ओ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यू इज द अन ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ यूसीसी लोगों को पहले समझना पड़ेगा अवेयरनेस तो हो कि हम यूसीसी किस बारे में लाना चाह रहे हैं क्या उससे फायदे होंगे अगर वो ही नहीं समझ आएगा तो उन्हें हमेशा ही लगता रहेगा कि वो इैशनल लॉ है या इससे कोई फायदा नहीं होगा द गवमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द बेस्ट सो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूसीसी को लाने से पहले थोड़ा अवेयर करना जरूरी है फेक न्यूजेज जो इंडिया में बहुत ज्यादा चलती हैं वो हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि के लोगों को मिसलीड ना किया जा सके ये बताया जा सके कि यूसीसी उनके रिलीजियस बिलीफ को हार्म नहीं करेगा इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंडिया अब यूसीसी फॉलो क्यों नहीं किया जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिक्स एंड एम्स टू क्रिएट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स पीपल लाइक आर्टिकल फोर्टी फोर हैट हार मेनी फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल बिफोर द लॉ फेयर पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर ऑल सिक्योर सेक्यूलर रूल इन द दिक्युलर कंट्री जेंडर इक्वालिटी जस्टिस फॉर ऑल ये सब जो है ना ये आइडियल्स हैं एंड ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से आने चाहिए लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है कि वो फॉलो नहीं हुआ जा रहा है क्यों नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग नेशन है जिसकी बहुत बड़ी डायवर्सिटी है हेट्रोजीनिटी है बहुत बड़ा पोटेंशियल पॉपुलेशन है सो उसको मैनेज करना एक स्पिरिट डेवलप करना एक पर्पज डेवलप करना वन नेशन वन रूल वाला इट इट इज नेवर टास्क एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एजी टास्क इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो इतनी बड़ी डायवर्सिटी एंड कल्चर्स को मैनेज करना इतनी सारी लैंग्वेजेस जहां बोली जाती हैं इतने सारे कस्टम्स जहां फॉलो किए जाते हैं वहां यूसीसी के एम्बिट में सबको लाना बहुत मुश्किल काम रहेगा सो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी वाई दिस हैज नॉट बीन अप्लाइड येट ऑल्सो आर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एम वीरप्पा मोली इन टू

And uh, it was Prime Minister Jawaharlal Nehru who had first put forward the need of uniform civil code during his tenure. But he was only successful in including it in Directive Principle of Indian Constitution and he was not able to implement it. Then Hindu Code Bill in 1950s were brought forward to bring uniformity with regard to custom practices and legal aspects of personal matters. But this also faced several protests and had to be scrapped in 1956. So as a such law. जो आसानी से आ गया हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अपने में ही बहुत बड़ी बात है तो उसे लाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अब बात करते हैं व्हाट हैज वेस्ट लॉ कमीशन सेड अबाउट यूसीसी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक पूरा प्रॉपर विद रीजन डॉक्यूमेंट दिया था कि ना ही ये डिजायरेबल है ना ही इसकी नेसेसिटी है सो दे सेड कि नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दस एनी ऑफ द स्टेज और एट दिस स्टेज जब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी दैट वॉज इन 2018 थाउजेंड एंड उन्होंने बोला था कि यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरी नीड यूनिफॉर्मिटी बल्कि उन्होंने कहा था कि हमें मोर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी की तरफ मूव करना चाहिए कि और उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्युलरिज्म जो है उसका मीनिंग ओनली इफ इट इज अशोर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिफरेंसिस दैट मीनस सेक्युलरिज्म वर्ड को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके जो एक्चुअल फीचर्स है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए यूनिफॉर्मिटी so, के ऊपर उन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी को उस समय चुना था और कहा था इस स्टेज पे लाना जरूरी नहीं है अब थोड़ा सा बात करते हैं यूसीसी इतना बड़ा डिबेट है सो so, उसके फॉर आर्ग्यूमेंट्स क्या है या उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स क्या है अब जो वेरियस आर्ग्यूमेंट है उसे हम दो डिविजन्स में डिवाइड करेंगे कि जो क्रिटिसिज्म है या पॉइंट्स इन फेवर है क्योंकि बेसिकली ये जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पे आप इनको एक बार रीड कीजिएगा मैं आपको नट सेल में बहुत क्रक्स में समझा देती हूँ कि क्या क्रिटिसिज्म है या क्या फॉर पॉइंट ऑफ व्यू है जो बेसिकली यूसीसी का क्रिटिसिज्म है वो है इट इज सीन एज ए इंटरफेरेंस बाय द मेजोरिटी ऑन पर्सनल लॉस ऑफ द माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो उनके पर्सनल लॉस को कैसे वो इंटरफेयर करेगा मेजोरिटी ऑफ द लोग यही सोच रहे हैं

जनरली आप नोटिस करना जब भी यूसीसी आता है ना तो बहुत बार इसे ना इलेक्शन पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है लोग पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं ना कि हिंदूज के लिए कैसे बेनिफिशियल है या मुस्लिम के, के लिए कैसे बेनिफिशियल है इसको बहुत बार अपनी स्पीचेस में यूज करते हैं ताकि कि वो एक वोट बैंक अपनी तरफ कर सके तो पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड टॉपिक है तो उसे इम्प्लीमेंट करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है कैन बी यूज फॉर सोशल अनरेस्ट एंड मूव अगेंस्ट सिक्योलरिज्म नाउ सिक्योलर कंट्री की हम बात करते हैं लेकिन ये सिक्योलरिज्म से ही दूर हमें ले जा सकता है क्योंकि अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ दिस सो दिस इज दीज आर दॉइंट विच आर क्रिटिसिजम ऑफ इम्पलीमेंटिंग यूसिफी अब बात करते हैं फेवर फेवर के लिए मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैसे इक्वालिटी आएगी अमंग ऑल दिटिजन बिकॉज हर रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का इंसान जो होगा वो एक लॉ के एम्बिट में होगा और जो सेक्युलर डेमोक्रेसी का हमारा आइडिया है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा सोसाइटी की रिफॉर्म होगा कैसे क्योंकि जो अभी बेसिक पेट्रियाकल नोशन ऑफ द सोसाइटी है हमारा या रिलीजियस बिलीफ पे जो सली हुई सोसाइटी है वो सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ेगी तो सोसाइटल रिफॉर्म्स का भी एक पहलू हम कंसिडर कर सकते हैं जो लीगल मैटर्स है क्योंकि अब सिंगल uh, एक लॉ आ जाएगा तो जुडिशरी का बर्डन कम होगा पर, हर पर्सनल लॉ के दायरे में केसेस नहीं देखने पड़ेंगे लीगल मैटर्स को सुलझाना सिंपलीफाई हो जाएगा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा नेशनल इंटीग्रेशन की बात करी गई है कि अगर ये आता है तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा क्योंकि अब अपना धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे लोगों को ज्यादा बहका नहीं पाओगे कि आपकी माइनॉरिटी स्टेटस में आ जाओगे आप या आपके रिलीजियस को रिलीजन बिलीफ को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा वो जो एक पॉलिटिक्स का जो एंगल है ना वो रिलीजन से थोड़ा हटेगा तो नेशनल इंटीग्रेशन की लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा कि हम सभी इक्वल हैं वो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दीज आर द पॉइंट्स इन फेवर अब थोड़ा सा समझते हैं सेकेंड लॉ कमीशन ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन था क्या इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर थ्री इन एंड ट्वेंटी टू में बनाया गया था चेयरमैन आपके जस्टिस ऋतुराज अवस्थी थे ही इज नाउ रिटायर्ड एंड उन्होंने दो हजार बाईस में अपना ऑफिस रिज्यूम किया था जो टर्म था ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन का वो अगस्त टू थाउजेंड एन में एंड हुआ था उसके बाद ही ट्वेंटी सेकेंड लॉ पैनल आया है

मैं एक थोड़ा सा टिप देती हूँ आपको कि कैसे आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के इजी रहेगा आपके लिए आपने जैसे आज यूसीसी पढ़ा आपने एक पेज ले लीजिए ए फो साइस उस पे ना आप साइन बना लीजिए कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें ये ये रिलेटेड है और ये ये मैंने पढ़ा है उसके बाद जो भी आपकी न्यूज आती है अकॉर्डिंग टू जो भी हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आप उसके आगे कंटिन्यू करते जाइए उसको शॉर्ट शॉर्ट में नोट को न्यूज uh, को एक्सप्लेन करते जाइए जो जो मेन मेन पॉइंट है आपके प्रिलिम्स या मेन्स के लिए सो so, इससे क्या होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ोगे या रिवाइज करोगे ना आपकी सारी न्यूज एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक ही जगह होगी तो आपके ना दो तीन पन्ने में पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रॉम हिस्ट्री टू द करंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सो so, आप भले ही मेन्स लिख रहे हो आप प्रिलिम्स लिख रहे हो आपको यूसीसी पढ़ने के लिए कहीं और नहीं जाना है आपको वो अपने तीन पेजेस उठाने रिवाइज करना है एंड यू आर डन विद वन टॉपिक एंड दिस यू कैन डू फॉर ऑल द टॉपिक्स या आप सब्जेक्ट वाइज बना सकते हो कि आपने मान लो एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी में बहुत बार न्यूजेस आती है जो की आपकी ना बहुत फैक्चुअल होती है जो प्रिलिम्स में ही आ सकती है तो आप प्रिलिम्स की ना फैक्चुअल पॉइंट जो है एक छोटी सी डायरी बना लो फैक्चुअल पॉइंट फॉर प्रिलिम्स ताकि आप प्रिलिम्स के पेपर से हफ्ता भर पहले रिवाइज कर लो कि आपको कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए

यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट ऑल्सो एंड कहां से आया था उन्होंने खुद लागू नहीं किया यू शुड रिमेम्बर की पोर्टुगीज देखे गए हैं एटीन सिक्सटी सेवन में सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बैकग्राउंड से लेकर मैंने करंट तक सब कुछ कवर करने का कोशिश किया है सो आई होप ऑल योर डाउट्स एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग यूसी आपको आता होगा दिस इज इट फॉर टूडेज एडिटोरियल वीडियो थैंक यू